जहां टेक्सटाइल, चूड़ियां, सीमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्री सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन हैदराबाद वर्सेस पाकिस्तानी हैदराबाद। तो इंडियन हैदराबाद के बारे में हमें काफी कुछ पता है कि वहां का जो फूड है, वहां की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी तो सब जगह पर फेमस है, और उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी लैंग्वेज से। तो आप पर पाकिस्तानी हैदराबाद में क्या कुछ खास है, शायद हमें इस वीडियो से पता चलेगा, क्योंकि इन दोनों में आज शायद कंपैरिजन होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी आज की, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वाकई में आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया का हैदराबाद तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान का हैदराबाद। जहां तक हमें इंडिया के हैदराबाद के बारे में पता है तो वहां की जो है पाव है, जो बिरयानी है स्पेशली, आई थिंक बहुत वैरायटी है वहाँ पे बिरयानी की। और हैदराबाद के बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत फेमस हैं, वहाँ का पाव बहुत फेमस है। जहाँ तक हमने इंडिया हैदराबाद के बारे में जाना है, वहाँ के लोग जो है उनकी लैंग्वेज बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट है जो नॉर्मल नॉर्थ साइड में जो है जिस तरीके की उर्दू बोली जाती है वो काफ़ी डिफरेंट है वहाँ की उर्दू से। तो चलिए देखते हैं कि दोनों देशों के हैदराबाद में कितना डिफरेंस है। तो चलिए आज की वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ खास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका नाम तो एक जैसा है, क्योंकि जहां एक शहर भारत में है तो वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और इन दोनों शहरों का नाम है हैदराबाद। वैसे चाहे आप भारत में हो या पाकिस्तान में, हैदराबाद नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दोनों ही शहरों से जुड़े किसी भी डिटेल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की दूसरी बड़ी सिटी पाकिस्तानी हैदराबाद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही शहरों की कुछ बेसिक डिटेल्स से। तो 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा और करीब 1,10,00,000 पॉपुलेशन के साथ भारत का हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होने के साथ साथ देश के टॉप 10 शहरों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। और समय के साथ ये शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, इसलिए तो इसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। वही 993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और करीब 25,00,000 पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तानी हैदराबाद कराची के बाद सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ टेक्सटाइल, चूड़ियां, सिमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्री सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद भारतीय हैदराबाद के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेशनल हाईवे N55, M9 मोटरवे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, गिनती की बसें और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 2013 से फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तानी हैदराबाद में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। वहीं भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद में सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा 67 किलोमीटर लंबा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पाकिस्तान देश के टोटल मेट्रो नेटवर्क से कई गुना बड़ा है। और भारतीय हैदराबाद में देश के कई बड़े शहरों से रेल और एसी बसें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारतीय हैदराबाद का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देख ही रहे हैं, चमचमाती कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, 5-स्टार होटल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल एरियाज की भी कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात जीडीपी की तो दोनों ही शहरों की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पाकिस्तानी हैदराबाद की जीडीपी 13 बिलियन US डॉलर के करीब है, वहीं भारतीय हैदराबाद की जीडीपी 95 बिलियन US डॉलर के करीब है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने के कारण भारतीय हैदराबाद में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम,
2.5% क्रिश्चियन और 2.5% अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है और यहाँ आज के समय में 94% मुस्लिम, 5% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों के लोग बचे हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू और सिंधी बोलती है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ही शहरों के बारे में इस कंपैरिजन वीडियो से एक बेहतर आइडिया जरूर मिला होगा। वैसे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये कंपैरिजन कुछ अलग ही होता। और अगर आप भी घर बैठे बैठे देश के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, मतलब हमें इंडियन हैदराबाद के बारे में काफी नॉलेज ऑलरेडी थी, बट पाकिस्तानी हैदराबाद सबसे पहली बात की उनके नाम ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा हमने पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि जो एरिया के नाम है या शहरों के नाम है वो ऑलमोस्ट सेम है इंडिया के नामों जैसे। तो ऐसे ही हैदराबाद का नाम भी जब हमने देखा पाकिस्तानी हैदराबाद तो ऑलमोस्ट सेम है, चीजें काफी सेम है पर हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है जैसे पॉपुलेशन में और डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो पाकिस्तान का हैदराबाद है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, अगर हुआ भी है तो वो उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, बट इंडिया का हैदराबाद काफी ज्यादा डेवलप्ड है, ये हमने इस वीडियो से देखा। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और काफी इंटरेस्टिंग थी आज की वीडियो। वाकई में अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों देशों में आई थिंक इन दोनों सिटीज में मेनली बहुत डिफरेंस है, स्पेशली अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। और ऑब्वियस ही बात है कि जो इंडिया का हैदराबाद है वो एक साइबर हब है, एक मेन साइबर सिटी है, तो वहाँ की GDP भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी क्योंकि आपको हर तरीके की टेक्नोलॉजी और हर तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है वो हैदराबाद सिटी में ज्यादा मिलेगा। तो कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इंडिया का हैदराबाद जरूर जो है वो आगे है और बहुत ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुली वो डेवलप्ड है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में मेनली हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें इस्लामाबाद, कराची जैसे शहर जो है वो काफी ज्यादा डेवलप है, टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे चल रहे हैं। तो आई एम श्योर ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, नाम एक जैसे हैं, आई एम श्योर कभी मौका मिले और ऐसा कभी हुआ तो दोनों देशों में आई थिंक जो जहां नाम सिमिलर है वहां कहीं ना कहीं जो सक्सेसफुल रेट है, जो GDP है वो भी एक जैसी ही हो जाए। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव थी और आई थिंक जो वीडियो की एडिटिंग थी और जो क्लैरिटी थी और जो डाटा इन्होंने हमें प्रोवाइड कराया वो बहुत अच्छा था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।